सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि रोज की यूट्यूब अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथियों, तो हमने अपना दूसरा टॉपिक पूरा कर लिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि दूसरे टॉपिक में हमने अधिकांश ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की है, और जो भी सवाल छूटे हैं वो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि आपको क्या करना है, आपके लिए वो हल करने के लिए दिए गए हैं। और जो भी नए होते हैं तो आप कमेंट कीजिए। और अब हम जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है तीसरा टॉपिक, और उसका नाम है बहुपद। उसका नाम है बहुपद, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कहेंगे इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कह रहे हैं हम बहुपद। ये टॉपिक आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ रखा है, और 10वीं क्लास में ये फिर से है, लेकिन 10वीं क्लास में थोड़ा सा आगे से है। 9वीं क्लास में आपने जितना पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने 9वीं क्लास में क्या पढ़ा है। और 9वीं क्लास में पढ़ा हो वो आपको याद तो शायद नहीं भी हो, तो मैं थोड़ा सा आपको वापस यहाँ रिवाइज करके भी बताऊंगा कि 9वीं क्लास में आपने क्या क्या देखा था, और इसके बाद हम अपनी क्लास के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब समझते हैं कि ये बहुपद जो लिखा है उसका मतलब क्या है। बहुपद शब्द से स्पष्ट है, बहु मतलब बहुत, बहुत या बहुत सारे, और पद, पद को हम अगर आपको मैं इंग्लिश में कहूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टेप। पद मतलब स्टेप्स, मतलब बहुत सारी स्टेप, या फिर और सरल भाषा में कहो उसको तो सीढ़ियां। ठीक है, बहुत सारी सीढ़ियां, एक के बाद एक ऊपर चढ़ रहे हो या फिर ऊपर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, तो ऐसे ही ये क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है ना, तो एक के बाद एक स्टेप आपके सामने यहां पर होगी, और वो भी बहुत सारी होगी। कितनी होगी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी, एक भी हो सकती है उसको भी कहेंगे, लेकिन एक या एक से ज्यादा भी पद हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी सीढ़ियां हो सकती है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, बहु पद। ठीक है ना, बहु पद, इसलिए बहु का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, और पीछे क्या है, पद, मतलब बहुत सारे अगर पद हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, बहुपद। ठीक है, अब ये पद होते कैसे हैं वो हमको देखना पड़ेगा, तो वो सब आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, ये सब 8वीं क्लास में भी था, तो वहां के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा चर, और एक नाम सुना होगा अचर। चर और अचर, ये दो राशियां हैं, चर राशि और अचर राशि, मतलब कोई दो संख्याएं हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, चर क्या है और अचर क्या है। तो अचर क्या है, अचर तो हमको सीधा सीधा दिख जाता है, मैंने लिखा दो, तो ये दो हमेशा दो ही रहेगा, ये दो फिक्स है, दो को हम तीन नहीं कह सकते, इस दो को हम पांच भी नहीं कह सकते, ये दो है तो दो ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अचर, मतलब सीधा सीधा हमको पता है कि ये संख्या है, दो है, पांच है, एक है, तो ये फिक्स है, हमको पता है। लेकिन चर को हम क्या करते हैं, किसी सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, कोई प्रतीक लगा देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर एक्स, क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अभी जो एक्स है वो क्या है, चर है, मतलब इस एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, इस एक्स की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, मैं एक्स बराबर दो भी लिख सकता हूं, एक्स बराबर पांच भी लिख सकता हूं, कहीं पर एक्स बराबर छह भी आ सकता है, कहीं पर एक्स बराबर माइनस दो भी आ सकता है, कहीं पर एक्स बराबर माइनस सात भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब एक्स की जगह, मतलब कि अगर किसी संख्या का मान आपको फिक्स दिख रहा है, ये फिक्स दो है तो दो, तो वो तो क्या हो गया, अचर। लेकिन कोई हमने ले लिया एक्स और उसकी जगह बार बार उसका मान बदल रहा है, ठीक है ना, बार बार उसका मान बदल रहा है, तो बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, चर, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हो वेरिएबल। ठीक है ना, मतलब बार बार वेरिएशन आ रहा है इसमें, अलग अलग दिख रहा है, बार बार कभी दो दिख रहा है, कभी पांच दिख रहा है, कभी छह दिख रहा है, कभी दो माइनस दो दिख रहा है, कभी माइनस सात दिख रहा है, मतलब हर सवाल में इसका मान अलग अलग आ रहा है, और हर स्थिति में इसका मान अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, चर, और जो डायरेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा, चर। अब चर की जगह सिर्फ एक्स ही नहीं, चर की जगह कुछ भी आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, मतलब एबीसीडी का कोई भी एक्सर ले सकते हो आप चर की जगह। ठीक है ना, लेकिन इसमें अभी क्या करते हैं हम, नॉर्मली ये जो चर लेते हैं वो ये पीछे वाले अल्फाबेट होते हैं ना, तो एक्स वाई जेड यही लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, या फिर ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी किसी स्थिति में क्या होता है, हमारे सामने जो ए आते हैं, बी आता है, सी आता है, डी आता है, तो ये किसका काम करता है, तो इनको हम क्या मानते हैं, एक बार के लिए अचर मान लेते हैं, कि ये कोई संख्या है और ये कोई क्या है, चर है। कभी कभी कोई संख्या भी हमको फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम
अक्षर के लिए कौन सा इस्तेमाल, कौन से अक्षर इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी या आगे वाले अक्षर, और पीछे वाले किसके लिए करेंगे, चर के लिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो किसी किसी सवाल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने 9वीं क्लास में क्या देखा था। तो देखिए 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था, जैसे कोई बहुपद लिखा मैंने, अब मैं कोई बहुपद लिख रहा हूं, तो बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है एफ एक्स, ठीक है ना, एफ मतलब कोई फंक्शन है और पीछे कोष्टक में लिखा एक्स, मतलब बहुपद किस रूप में है, एक्स के रूप में, बहुपद में चर कौन सा है, एक्स है, तो एफ एक्स बराबर कोई भी लिख दिया एक्स प्लस टू, क्या लिख दिया एक्स प्लस टू, तो ये क्या है, एक बहुपद है, मैंने सिर्फ लिखा एफ एक्स बराबर एक्स, ये भी क्या है, एक बहुपद है, मैंने लिखा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। इस तरह से बहुत सारे पद आ रहे हैं, बहुत सारी घातों के अलग अलग पद आ रहे हैं, तो ये क्या है, बहुपद है, ठीक है ना, ये आपने 9वीं क्लास में सब देख रहे हैं। अब बहुपद के बारे में आपने एक और चीज पढ़ी है आगे कि बहुपद, एक तो बहुपद की घात, एक तो पढ़ा है आपने बहुपद की घात, और इसके बाद आपने पढ़ा है बहुपद के शून्य, और ये शून्य हमको इस क्लास के लिए पढ़ना है, ठीक है ना, पहले हम जाने कि बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, इसके बाद ये हमारा टॉपिक रहेगा आगे का। अब बहुपद की घात क्या होती है, तो आपके सामने जो भी बहुपद आपने लिख दिया, कोई भी बहुपद लिख दिया, मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख दिया, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो एक तो बहुपद की घात पढ़नी है, और एक बार शून्य हम बाद में पढ़ेंगे, शून्य से पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी यहां पर गुणांकों के बारे में, बहुपद के अंदर जो भी सारे गुणांक होंगे अलग अलग, उनके बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक नहीं होते, बहुपद में जो अलग अलग पद होते हैं उनमें जो एक्स होता है, एक्स होता है या फिर एक्स स्क्वायर होता है या फिर एक्स क्यूब होता है, उनके गुणांकों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि ये बहुपद की घात क्या होती है। तो जो भी बहुपद आपने लिख दिया, उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ये जो बहुपद है उसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहां पर x की बड़ी से बड़ी घात क्या है, x की घात एक, तो इस बहुपद की घात कितनी है, एक है, ये बहुपद लिख लिया आपने। यहां पर देखा कि x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक, तो इस बहुपद की घात भी क्या है, एक। इसके बाद ये बहुपद देखिएगा, इस बहुपद में देखो x की सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहां पर x की सबसे बड़ी घात, घात मतलब जो ऊपर लिखा होता है इस तरह से, तो यहां पर क्या है, x की घात तीन, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, तीन। आपको ऐसा नहीं, इसकी घात x क्यूब नहीं हो जाएगी, पूरा x क्यूब नहीं लिखना है, x के ऊपर जो सबसे बड़ी घात है वो ही लिखनी है आपको, वो होगी बहुपद की घात, पूरे बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है ना। वो इस बहुपद की घात कितनी है, तीन है, जैसे कि ये बहुपद लिखा, तो इस बहुपद में जो x है इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, दो, इसके अलावा और कोई x की इससे बड़ी घात नहीं है, तो यहां पर इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो है बहुपद की घात, जैसे कि मैंने और भी कुछ लिख दिया, एफ टी लिख दिया मैंने, एफ टी बराबर टी की घात चार प्लस टी की घात दो, इस तरह से दो ही पद है इसमें, ठीक है ना, पद ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो टी की घात चार प्लस टी की घात दो एक बहुपद मैंने लिख दिया, तो इस बहुपद में बहुपद का चर क्या है, टी है, एक्स नहीं, यहां पर क्या है, टी है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, वही इसमें जो चर है उस चर की सबसे बड़ी घात, ऐसा नहीं कि एक्स ही हो, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी से बड़ी घात होगी वही आपकी क्या होगी, बहुपद की घात, तो यहां पर कितनी है, चार घात है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, चार। तो इस तरह से आपको बहुपद की घात के बारे में पता लगाना कि बहुपद की घात क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद की घात के बाद कि बहुपद के जो अलग अलग पद है उनके गुणांक क्या है, ठीक है ना, गुणांक। जैसे कि मैंने कोई बहुपद लिख दिया एफ एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक, ठीक है ना, तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, बहुपद इसी तरह से होगा, सबसे पहले बड़ी घात होगी, ठीक है, अगर सही क्रम में जमा हुआ है तो सबसे पहले बड़ी घात कितनी होगी, और फिर छोटी, इससे छोटी घात, फिर इससे छोटी घात, फिर लास्ट में पूरी घात खत्म हो जाएगी, मतलब घात क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे कि देखना, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर क्या है, सबसे पहले देखो एक्स की घात दो है,
फिर x की घात कुछ नहीं लिखा, मतलब एक घात है, और यहां पर x ही नहीं है। अब x ही नहीं है मतलब यहां पर x है तो सही, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहां पर क्या हो गया, x की घात क्या हो गई, जीरो। अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसके ऊपर अगर घात जीरो लगा दी तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी संख्या, जैसे कि मैंने यहां पर 1000 लिखा और 1000 की घात जीरो लिख दिया तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसके ऊपर जीरो घात लगा दो तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, एक्स की घात दो, फिर एक्स की घात एक, फिर यहां पर क्या हो गया, एक इंटू एक्स की घात जीरो। एक्स की घात जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, तो ये वापस एक इंटू एक होकर क्या हो जाएगा, वापस एक ही हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर एक्स की घात जीरो को नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा बहुपद क्या हो जाता है, बन जाता है। अब इस बहुपद की घात कितनी आप बता दो, तो इस बहुपद की घात कितनी है, दो, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है यहां पर, दो। अब इनके गुणांकों की बात करते हैं, तो सबसे पहले गुणांक की अलग अलग, गुणांक में जो एक्स की घातें हैं उनके लिए गुणांक लिखेंगे। मतलब कि मैंने लिखा एक्स की घात दो का गुणांक, अब ये गुणांक, गुणांक कब से कह रहे हैं, लेकिन ये गुणांक होता क्या है, तो शब्द से स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, गुणांक, गुणांक का मतलब गुणे का अंक, मतलब जो गुणे में है। तो एक्स की घात दो से जो गुणे में लिखा हुआ है वो संख्या कौन सी है, वही क्या हो जाएगा, एक्स की घात दो का गुणांक। तो एक्स की घात दो के आगे जो भी गुणे में संख्या लिखी होगी, या फिर कोई ए लिखा हो, बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x की घात दो के आगे क्या लिखा हुआ है, तीन, तो x की घात दो का गुणांक क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है, तो ये हो गया x की घात दो का गुणांक। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का गुणांक या x की घात एक का गुणांक क्या है, तो आप बता दोगे सीधा कि यहां पर x की घात एक या x का गुणांक क्या है, दो। अब मैं पूछूं आपको यहां पर कि x की घात जीरो का गुणांक क्या है, या फिर इसको हम सीधा बोल देंगे कि यहां पर अचर क्या है। ठीक है ना, लास्ट में जो संख्या बच रही है, अकेली अकेली संख्या है, उसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, या फिर उसको कहेंगे x की घात जीरो का गुणांक। क्योंकि मैंने अभी यहां पर बताया था x की घात जीरो आता है यहां पर, लेकिन इसको हम लिखते नहीं, क्योंकि x की घात जीरो का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो यहां पर लास्ट में जो संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, x की घात जीरो का गुणांक या फिर अचर। अगर यहां पर दो होता तो इसको हम क्या लिखते, दो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एफ एक्स बराबर सॉरी 4x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमने एक बहुपद लिख दिया, तो इस बहुपद की घात कितनी है, सबसे पहले बता दीजिए। तो इस बहुपद की घात कितनी है, देख लीजिए यहां पर ध्यान से दिख रहा होगा आपको, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 4 हो गई। अब इस बहुपद की घात तो 4 हो गई, अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें एक्स की घात 4 का गुणांक क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि x की घात 4 का गुणांक क्या है, तो x की घात 4 के आगे गुणे में कौन सी संख्या लिखी हुई है, 4, तो ये हो गया 4। अब अगर मैं यहां से एक आध संख्या हटा दूं तब भी आपको पता चलना चाहिए। अब लिखिए आगे, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के आगे जो है वही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, अगर मैं पूछूं कि यहां पर x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक x के आगे क्या है, कोई संख्या ही नहीं लिखी हुई। अब कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, वहां पर हमको क्या लिखना है कि कोई संख्या नहीं, मतलब यहां पर क्या है, एक तो होता ही है, एक तो होता ही है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर x ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको सीधा समझ जाना है कि यहां पर x के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब x का गुणांक क्या है, एक। अगर इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा होता, सीधा एक्स स्क्वायर लिखा होता, मतलब इसका गुणांक भी क्या हो जाता, एक हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं पूछूं कि यहां पर एक्स की घात जीरो का गुणांक क्या है, तो क्या बताओगे, तो लास्ट में कौन सी संख्या बच रही है, अचर, इसी को कहोगे, तो ये क्या है, 3। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तब क्या बताओगे आप, देख लो यहां पर एक्स क्यूब तो कहीं पर दिख ही रहा है, तो एक्स क्यूब का गुणांक कहां से लगे, तो मतलब कि अगर जो पद आपको बीच में नहीं दिख रहा है, एक्स क्यूब वाला पद नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है मतलब उसका गुणांक क्या है, जीरो है। ठीक है ना, मतलब कि यहां पर ऐसे था ये पहले, 4x की घात 4 जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, सॉरी यहां पर एक्स भी और प्लस 3, इस तरह से ये बहुपद है। तो इसमें क्या है, देखिए
यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणा क्या था, जीरो था। अब जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणा क्या है, जीरो है। और जीरो है तो ये पूरा यहाँ से हट गया, ये पद यहाँ पे रहेगा ही नहीं। इसलिए अगर मैंने पूछ भी लिया कि एक्स क्यूब नहीं है पद और फिर उसका गुणा पूछ लिया तो उसका गुणा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई बहुपद के गुणांकों की बात और बहुपद के घात की बात। तो ये तो सब छोटी क्लास नब्बी क्लास की बात थी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहां तक, क्योंकि आगे इसका बहुत काम पड़ने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी मेन बात की ओर। हमारी मेन बात थी आज बहुपद के शून्यक, यहां से हमको शुरुआत करनी है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक ये हमको पढ़ना है आज, ठीक है ना। ये भी पढ़ना है और इसके आगे भी पढ़ना है, जहां तक क्लास हो सकती है वहां तक हम लेंगे। तो बहुपद के शून्यक पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ बहुपद की घात के बारे में और गुणांकों के बारे में। तो जो भी एक घात का बहुपद होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा घात एक घात होती है उसको एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दो घात का बहुपद होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो घात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। कौन सा, द्विघाती बहुपद, ठीक है ना, द्विघाती। और अगर तीन घात है, तीन घात का है तो त्रिघाती। तो ज्यादा हम दो घात और तीन घात के बारे में पढ़ेंगे, एक घात दो घात और तीन घात, तीन घात से बड़े बहुपद हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो आपको दो और तीन घात के बारे में ज्यादा पढ़ना है और एक घात के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं गुणांकों की। तो आपके सामने कभी कभी ऐसा भी बहुपद आता है, मतलब कि जो मानक रूप होता है, जो मेन, ऐसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये जो है वो तीन घात का बहुपद है। ए बी सी डी ये सारे क्या है, गुणांक है, ठीक है ना। ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। बी किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है। और डी क्या है, अचर है या फिर एक्स की घात जीरो का गुणांक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एबीसीडी ले लिया, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद का मानक रूप। ये कितने घात का बहुपद है, तीन घात का, तो त्रिघाती बहुपद है और वो त्रिघाती बहुपद का मानक रूप है। मतलब कि यहां पर ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, सी की जगह भी कोई और संख्या हो सकती है और डी की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है, तब वो एक बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना। अभी भी ये बहुपद है लेकिन ये बहुपद का मानक रूप है। इसके बाद मैं और भी लिख सकता हूं, या फिर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कितनी घात का बहुपद है, तो ये दो घात का बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है। अब द्विघाती बहुपद है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, एक्स का गुणांक है बी और अचर क्या है, यहां पर सी है, ठीक है ना, जो एक्स की घात जीरो का गुणांक है। तो ये किसका मानक रूप है, तो ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ये ए एक्स प्लस बी, तो ये कितनी घात का बहुपद है, तो ये एक घात का बहुपद है, एक ही घात है यहां पर, और x का गुणांक क्या है यहां पर, a, और अचर क्या है b है, तो ये एक घाती बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये मानक रूप ध्यान में रखना है, ये आपके बहुत आगे काम में आने वाले हैं। अब देखिए बहुपद के शून्यक, नाम से स्पष्ट है शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के लिए होंगे। और शून्यक, शून्यक का मतलब शून्य करने वाला, शून्य करने वाला, शून्य का मतलब क्या हो गया, शून्य करने वाला, शून्य का मतलब जीरो, मतलब कि जो बहुपद को जीरो कर देता है वो क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। जैसे कि देखना, मैंने यहां पर लिखा एफ एक्स बराबर दो एक्स प्लस एक, मैंने क्या लिखा यहां पर, दो एक्स प्लस एक, ये एक बहुपद, ठीक है ना। तो अब इस बहुपद में ऐसा इस एक्स की जगह क्या आ जाए कि ये इस बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। हमको मान किसका रखना है, एक्स का मान रखना है, जो भी हो x का मान रखना है, और x का मान ऐसा होना चाहिए कि उसको हल करने पर उसका मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कि शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, शून्यक, क्योंकि वो क्या कर देता है, शून्य कर देता है बहुपद को। तो देखिए यहां पर ऐसा क्या आ जाएगा, तो इससे बढ़िया थोड़ा एक और सरल उदाहरण ले लेते हैं। मैंने मान लो लिखा एफ एक्स बराबर दो एक्स माइनस दो, ये एक बहुपद हो गया दो एक्स माइनस दो। इस बहुपद का शून्य हमको निकालना है, एक बार अंदाज से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहां पर x की जगह ऐसा क्या रख दूं मैं कि ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं यहां पर x का मान क्या रख दूं, जीरो रख दूं, तो क्या होगा, देखना दो
इंटू ये दो एक्स लिखा मतलब दो इंटू एक्स है, हम बात करते हैं गुणांकों के, गुणांक मतलब गुणे का मतलब दोनों किस रूप में है, गुणे के रूप में है। तो दो इंटू यहां पर क्या हो जाएगा जीरो माइनस दो, तो दो इंटू जीरो तो क्या हो गया जीरो माइनस दो, तो ये क्या आएगा माइनस दो। जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब कि ये जो जीरो है वो इस बहुपद का शून्य नहीं है। ऐसा नहीं शून्य मतलब जीरो नहीं होता है, शून्य का मतलब जीरो करने वाला होता है। अब जीरो कोई भी कर सकता है, सिर्फ जीरो ही जीरो करेगा ये फिक्स नहीं है, पूरे बहुपद का मान जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये तो जीरो हो गया लेकिन पीछे माइनस दो तो बचा हुआ है, तो फाइनल उत्तर क्या है हमारा माइनस दो। तो हमारा जो फाइनल उत्तर है वो जीरो होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे शून्य कहेंगे। ठीक है, वो जो लाएगा वो उसको शून्य कहेंगे। तो देखिए जीरो से तो नहीं हुआ, अब एक को देखते हैं, एक्स बराबर एक रख के देखते हैं, तो दो इंटू एक माइनस दो हो जाएगा, तो दो इंटू एक क्या आएगा दो, दो एकम दो और माइनस दो, तो ये क्या आएगा देखो दो माइनस दो जीरो आ गया, जीरो फाइनल उत्तर। अब फाइनल उत्तर जीरो आ गया मतलब इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य है एक। इस बहुपद को शून्य किसने किया, तो एक ने किया, एक ने इसको जीरो कर दिया, तो इस बहुपद का शून्य क्या है एक है। ठीक है ना, इस बहुपद का शून्य क्या है एक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है शून्य। अब शून्य तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब बात करते हैं कि शून्य को की संख्या क्या होती है। तो सीधा मैं आपने एक चार्ट बना रहा हूं, एक बात लिख देता हूं सीधा, बहुपद की घात बराबर बहुपद के शून्य को की संख्या, इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है ना, जब बहुपद के शून्य टॉपिक डाल के और इस बात को आप सबसे पहले लिख दीजिए, ये बहुत काम की बात है। बहुपद की घात बराबर बहुपद के शून्य को की संख्या, इसका क्या मतलब है देखिए ध्यान से। मैंने यहां पर दो बहुपद लिख देता हूं मैं, एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री और दूसरा लिख रहा हूं एफ एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और एक और बहुपद लिख देते हैं चार एक्स क्यूब प्लस दो एक्स प्लस एक। ठीक है ना, तो इस बहुपद में देख लीजिए, आप पद देख लीजिए इसमें कितने पद है, ये पूरा एक पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा। पद को आपको इस तरह से देखना है, ये पूरा एक पद, ये दूसरा पद, इसमें कितने हैं, ये पूरा एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। जो प्लस माइनस चिन्ह के, प्लस माइनस चिन्ह क्या करेंगे, दीवारों का काम करेंगे। ठीक है ना, दो पदों के बीच में। इसके बाद एफ एक्स बराबर ये एक पद दो पद और तीन पद, इसमें भी तीन ही पद है। ठीक है ना, पद कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या देखनी है, बहुपद की घात देखनी है। इस बहुपद की घात कितनी है, एक ही घात है। इस बहुपद की घात कितनी है, तो दो घात है, बड़ी घात दो ऐसी। और इस बहुपद की घात कितनी है, तीन घात है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर, बहुपद की घात बराबर बहुपद के शून्यकों की संख्या, मतलब कि जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, मतलब कि उसको जीरो करने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसकी घात एक है तो ऐसी एक ही संख्या होगी जो इसको जीरो करेगी, एक ही संख्या होगी। और इसकी घात कितनी है, दो, तो ऐसी दो संख्या आपके सामने होगी जिसका मान यहां पर रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कि इस बहुपद के दो शून्यक होंगे क्योंकि इसकी घात कितनी है, दो है, जितनी घात उतने शून्य, मतलब कि ऐसी दो संख्या आपके सामने निकल के आएगी जो दोनों संख्या रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर कितनी हो जाएगी, तो यहां पर इसकी घात कितनी है, तीन, तो ऐसी तीन संख्या आपके सामने, अलग अलग तीन संख्या आएगी जो जिसका मान यहां पर रखने पर इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कि इसके शून्य कितने होंगे, तीन होंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि बहुपद की जितनी भी घात होगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो जैसे जैसे हम शून्य निकालेंगे आगे, तो वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा कि शून्य क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम किताब के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो ये तो शून्य के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। अब जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि शून्य क्या होते हैं। ठीक है ना, तो शून्य को हम कैसे लिखेंगे देखना। अगर एक ही घात है तो एक शून्य का आएगा, तो उसको हम कोई भी नाम दे देंगे, अल्फा नाम दे दिया, या फिर सीधा एक्स का मान आएगा जो भी, तो उसको हम अल्फा नाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई अलग नाम दे दिया एक बार के लिए ताकि पता चल जाए हमको। अब दो शून्य का, दो घात की बहुपद है तो दो शून्य का आएंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक को अल्फा कह देंगे, अल्फा मतलब ऐसे लिखते हैं अल्फा को। ठीक है ना, ये अल्फा और एक होता है ऐसे बीटा, ये क्या है, ग्रीक एबीसीडी,
जैसे अपने अभी अपनी एबीसीडी लिखते हैं हम इंग्लिश वाली, ऐसे ही जो ग्रीक भाषा होती है उसमें एबीसीडी ऐसी होती है, ठीक है ना। अल्फा बीटा फिर गामा, इस तरह से आगे अक्षर पूरे जैसे अपने जेड तक होते हैं वैसे भी इनके, वैसे ही इनकी क्या होते हैं 26 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो एक के लिए हम सिर्फ अकेला अल्फा लिखेंगे या फिर एक्स भी चलेगा, दो के लिए हम अल्फा और बीटा दोनों लिखेंगे, एक का मान अल्फा दूसरे का मान बीटा, क्योंकि वहां पर तो आपको जो मान मिलेंगे दोनों एक्स के ही मान मिलेंगे, दोनों एक्स के ही मान मिलेंगे, जब जब सवाल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद तीन आ गए तो तीन के लिए हम अल्फा बीटा और गामा तीनों का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन तीन तक हमको ज्यादा जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा दो तक की बात करेंगे, और तीन की करेंगे तो कभी कभी आपके सामने वो आ जाएंगे। अब देखिए एक और बात आती है यहां पर, द्विघाती, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है ना। ये आपकी नेक्स्ट बात आती है, द्विघाती बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, मतलब कि रिलेशन, एक रिलेशन होता है द्विघाती बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच में। तो मैंने द्विघाती बहुपद की बात की, यहां पर दो घात की बहुपद, तो दो घात की बहुपद में कितने शून्य होंगे, तो दो होंगे, अब दो घात तो दो शून्य, अब दो शून्य कौन कौन से, तो मैंने अभी आपको नाम बताए थे अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं, माना द्विघाती बहुपद क्या है, बहुपद एफ एक्स बराबर लिख देते मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। हमने एक बहुपद का मानक रूप मान लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि कितने घात का बहुपद है, दो घात का बहुपद है। अब दो घात का बहुपद है जिसके शून्य क्या होंगे, अल्फा और बीटा, तो हम लिख देंगे यहां पर जिसके दोनों शून्य अल्फा और कौन सा है बीटा, ठीक है ना, बी के नीचे थोड़ा सा लंबा डंडा कर दो तो क्या हो जाएगा बीटा, एक तो है अल्फा और एक है बीटा, हमने मान लिया इसके दो शून्य, दो संख्या ऐसी आएगी जो इसमें रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कह देंगे, दो शून्य, तो पहले शून्य का नाम दे दिया हमने अल्फा और दूसरे शून्य का नाम दे दिया बीटा, ये कोई ऐसी दो संख्या है जिसका मान इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो शून्य को और गुणांक के बीच के संबंध की बात कर रहा है, तो ये तो दोनों शून्य हो गए, अब गुणांक क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले, ये यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अकेला सी, मतलब वो अचर है, ठीक है ना। तो ये भी किसका गुणांक है, ये एक्स की घात जीरो का गुणांक है, इसको भी हम गुणांक ही कहेंगे, ठीक है ना। तो अब इनका संबंध क्या होता है, तो दोनों बातें लिख लीजिए। नंबर ए, अगर आप अल्फा में बीटा को जोड़ दो, दोनों शून्य को आप जोड़ दो, दोनों शून्य को अगर जोड़ दो तो वो आएगा माइनस का बी बटे ए के बराबर, मतलब कि बी क्या है एक्स का गुणांक, और उसमें अगर आप एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दो और उसको माइनस का कर दो तो वो किसके बराबर आएगा, अल्फा और बीटा की जोड़ के बराबर आएगा, ठीक है ना। ये एक संबंध होता है, सूत्र है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात, अगर आप अल्फा में बीटा का गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा कर दो, ठीक है ना, मैंने डॉट लगाया, मतलब कि यहां पर क्या है गुणा करना, तो अल्फा इंटू बीटा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, सी बटा ए, ठीक है। तो ये दो संबंध होते हैं बहुपद के, द्विघाती बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, पूरा का पूरा है वैसा का वैसा, क्योंकि इसका बहुत काम पड़ने वाला हमको आगे सवालों में, इसी के टाइप के सवाल हमको करने हैं ये अपनी प्रश्नावली 3.1 में, वही से स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम सीधा बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली 3.1 की ओर। तो अपनी प्रश्नावली 3.1 को हम शुरू करेंगे अगली क्लास से, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।